एसआई यूनिट्स में कुछ प्रीफिक्स यूज किए जाते हैं। आज हम जानेंगे ये प्रीफिक्स कौन कौन से हैं और कितनी की जरूरत है। ये क्लास 11 की केमिस्ट्री है और उसमें हम जानेंगे कुछ प्रीफिक्स, उनके सिंबल और फिर मल्टीपल। आखिर ये प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स के बारे में कहा जा सकता है कि सम फिजिकल क्वांटिटीज आर आइदर टू स्मॉल और टू लार्ज टू चेंज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। दीज आर एक्सप्रेस बाई यूजिंग प्रीफिक्स बिफोर द नेम ऑफ द बेस यूनिट। ओके, तो हम कुछ देखेंगे वेरियस टाइप्स के प्रीफिक्स हैं और जो एसआई सिस्टम में यूज होता है उस चीज़ को हम देख लेते हैं। वे प्रीफिक्स की बात मैं करूँ जिन पे माइनस चार्ज होता है, तो इनका जो है अगर 10^-1 है तो उसे हम प्रीफिक्स के रूप में क्या बोलते हैं? उसे डेसी, और इसका सिंबल जो होता है स्मॉल डी होता है। 10^-2 की मैं बात करूँ तो इसे सेंटी बोला जाता है और फिर इसे स्मॉल सी से शो करते हैं। 10^-3 जिसे हम मिली के नाम से जानते हैं और इसे स्मॉल एम से शो किया जाता है। 10^-6 की बात करें तो फिर इसे हम माइक्रो कहते हैं और इसका सिंबल ये है माइक्रो। 10^9 की बात करें तो ये जो है नैनो एन होगा, ठीक एज इट इज ये बढ़ता जाएगा। 10^12 पीको स्मॉल पी इसका सिंबल होगा। 10^-15 फेम्टो इसका सिंबल जो होगा एफ होगा। 10^18 ऑटो इसे जो है स्मॉल ए से शो करते हैं। 10^-21 जिसे जेप्टो जिसे स्मॉल जेड से शो करेंगे। एंड 10^-24 योक्टो इसे स्मॉल वाई से शो किया जाता है। आप डियर स्टूडेंट देखेंगे 1, 2 तक तो ठीक है, माइनस 10^-1, 10^-2, 3 से जब ये शुरू होता है कंटिन्यू जब स्टार्ट होगा तो आप देखेंगे ये टेबल में चलेगा मल्टीपल, यानी 10^-3 है इसमें 3 ऐड हो गया कितना हो गया 6, 6 में 3 ऐड हो गया कितना हो गया 9, 9 में 3 ऐड हुआ कितना हुआ 12। तो इस तरह से ये अगर आप सीधा सा आप समझ लीजिए 3 के बाद से आप जो है 3 का टेबल बोलते जाओ और फिर जो है ये सारी चीज़ें समझ में आती जाएंगी। शुरुआत हो जाता है मिली से। अब कुछ ऐसे प्रीफिक्स हैं जिन पे माइनस चार्ज नहीं होता है, वह बिल्कुल अलग होते हैं। उनका जो मल्टीपल की मैं बात करूं तो सीधा यहां 10^1 जिसे हम कहेंगे डेका, 10^2 जिसे कहेंगे हेक्टो, 10^3 किलो, 10^6 मेगा जिसे कैपिटल एम से शो करते हैं, 10^9 गीगा जिसे कैपिटल जी से शो करते हैं, 10^12 टेरा जिसे कैपिटल टी से शो करते हैं, 10^15 पेटा जिसे हम कैपिटल पी से शो करेंगे, 10^18 एक्सा इसे हम ई कैपिटल ई से शो करेंगे, 10^21 तो इसे हम जेटा जेड कैपिटल जेड से शो करेंगे, 10^24 योटा इसे हम कैपिटल वाई से शो करते हैं। तो आपने देखा अगर डेका की बात करें तो स्मॉल डी ए होगा इसका जो सिंबल होगा, और हेक्टो में स्मॉल एच होगा, किलो में के होगा जो स्मॉल के होता है। ये प्रीफिक्स आपके केमिस्ट्री में ये यूज किए जाते हैं और आपके सिलेबस में भी है। क्लास 11 की बेसिक कॉन्सेप्ट आप केमिस्ट्री में आपको ये मिलेगा। है बहुत छोटी चीज़ लेकिन ये काफ़ी काम की चीज़ है और इस पर क्वेश्चन भी आते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों की जो स्टडी चल रही है वह जो है नीट को फोकस करके हो रही है ताकि हमारा सब्जेक्ट भी कंप्लीट होता चले और फिर हम वहाँ के लिए तैयारी कर पाएँ। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगी। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।